अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज थोड़ा सा आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये क्या हुआ है। ये तो मैं गलत जगह पे आपसे मिल रही हूँ, वरना मैं आपको हमेशा किचन में मिलती हूँ। आज एक्चुअली 21 जून है, तो आज फादर्स डे है और मैं अपने अब्बा के लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए निकली हूँ और वो मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना होगा। साथ साथ सेफ्टी मेजर्स को मुझे फॉलो करना है। मैंने मास्क और ग्लव्स लगाए हुए हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करने चल रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी साथ ले चलूं। तो अब हम बाहर निकले हैं। शायद पॉसिबल ना हो कि मैं आपको दिखाऊं कि क्या हम शॉपिंग करने लगे हैं, लेकिन ये है कि आप सब अपने अपने फादर्स के लिए जो दुनिया में हैं उनके लिए आज कुछ ना कुछ बनाएं, किसी अच्छे तरीके से उनको विश करें। और जो दुनिया में नहीं है, जिनके वालिद जिनके फादर्स नहीं रहे, उनके लिए खसूसी खसूसी दुआ करें और उनके लिए पढ़ के गिफ्ट सेंड करें। मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके फादर नहीं होते, जिनकी मदर नहीं होती, उनको क्या है कि इस तरह से गिफ्ट भेजना चाहिए कि आप उनके लिए कुछ पढ़ के उनके लिए भेजें, वो भी एज ए गिफ्ट उनको मिलते हैं। और चलें गाइस, मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं और फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह किचन में, और फिर हम बाबा जान के लिए कुछ बनाते हैं इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये अब हम मैं घर आ गई और मैं अपना सामान रेडी करके आपके सामने आई हूँ ताकि हम जल्दी से बनाएं और इसको फ्रिज में रखें और फिर हम अब्बू जी के सामने इसको प्रेजेंट करें। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं ट्राइफल बना रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए कोई सा भी आप बना लें, इसके लिए कस्टर्ड बना लें जो मैंने बना के ठंडा किया हुआ है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उसके अलावा हमें बनाना चाहिए जेलीज, आप कोई भी कलर्स में ले सकते हैं। और ये फ्रूट टिन मैंने लिया है और जो इसका सिरप था वो मैंने अलग से ले लिया है। और मैंने इसके अलावा एक प्लेन केक लिया है और व्हिपिंग क्रीम ली है। और अब हम आपको बनाने की तरफ लेके चलते हैं, जल्दी से आए जी। तो हमने अब हम ले लेते हैं एक बाउल हमने ले लिया। देखिए, अब हम इसके ऊपर सबसे पहले केक जो है वो लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू करना चाहिए, तो पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक लग गया। अब गाइस, इसके बाद हम ये जो हमारा सिरप था फ्रूट टिन के अंदर से जो निकला वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम लोग ये जो हमारा फ्रूट है जो टिन वाला वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और साथ ही कुछ बनानास जो हमारे पास हैं कटे हुए वो इसके अंदर डाल देंगे। गाइज, हम इसके अंदर जेलीज जो हमारे पास हैं वो डालेंगे। अब हम इसके अंदर
रेड वाली जेली, साइडों पे ज़रा लगे तो साइड्स पे भी अच्छी लगती हैं। देखें, और अब हम इसके अंदर हम अपना जो हमारा पहले से तैयार शुदा कस्टर्ड है उसको भी हम डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब हम व्हिपिंग क्रीम ऊपर डालेंगे, लेकिन एक दफ़ा उसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे या हम बीट कर लेंगे बीटिंग मशीन से। इसको बीट कर लेंगे, अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये फ्लफी सी हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। ये देखें गाइस, इसके अंदर अब लेयर्स ही बनने लग गई है एक तरह की। अब ये इसका मतलब है हमारी क्रीम हो गई है रेडी। बस हमने इतने ही इसको करना था। ये देखें हो गया, अब मैं बंद करने लगी हूँ। अब हम इसके ऊपर एक कोट कर देंगे क्रीम का। देखें, क्रीम मैंने 1 से 1.5 कप ली थी और ये इतनी फ्लफी हो गई है कि ये तकरीबन एक बाउल बन गया है। इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे और बाहर भी अचानक से बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। साथ में हम इसको भी एंजॉय करेंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ चेरीज लगा देंगे। अच्छा सा इसकी लुक आने वाली है और ये डिश मेरे बाबा को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए ये बनाई जाए। वो लाजमी बहुत खुश होंगे इसे देख के। जी, तो ये हमारा फ्रूट ट्राइफल तैयार है और अब हम इसमें लगाने लगे। ये देखिए, हैप्पी फादर्स डे। तो गाइस, अब आप भी अपने पेरेंट्स के लिए मदर हों या फादर हों, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया करें जिनसे वो खुश हों और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल साथ साथ रखा करें, क्योंकि जब हम दूसरों के दिल खुश कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी वसीला बनाता है लोगों को। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी और साथ ही साथ मैं आपको एक प्यारी सी पेंटिंग दिखाती चलूँ। ये देखें, ये मेरी छोटी बहन ने पेंटिंग की है और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और गाइस, दुआओं में याद रखें और पेरेंट्स से दुआएँ लेना बहुत ज़रूरी है। जीते रहें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।